हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी तीन ऐसी बातें जिसके आधार पर आप ये तय कर पाओगे कि आपका प्यार सच्चा है कि नहीं। एक्चुअली आप लोगों में बहुत सारे कमेंट आए कि भाई हमें कुछ ऐसा बताओ जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकें कि हमारा प्यार सच्चा है या टाइम पास, ये हम पता लगा सकें। तो आज के इस वीडियो में मैंने कवर की हैं तीन ऐसी आदतों को जो कि ये डिफ़ाइन कर देंगे, डिसाइड कर देंगे कि आपका प्यार कितना सच्चा है या टाइम पास है। तो यहाँ पे क्या है कि हम 3-2-1 करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि इन आदतों के माध्यम से या इन बातों के बदौलत आप क्या क्या जान पाओगे। आप सबसे पहले तो ये जान पाओगे कि आप सच्चे हो कि नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात ये जान पाओगे कि आपका प्यार सच्चा है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी जान पाओगे कि आपका पार्टनर कितना सच्चा है, ठीक है, आपका पार्टनर सच्चा है कि नहीं है। फिर उसके बाद ये भी आपको जानने को मिल जाएगा कि आपका पार्टनर जो प्यार करता है वो सच्चा है या टाइम पास, ठीक है। तो इन चार प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर मैंने जिसको रखा है वो ये है, इसको ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब फिजिकल कनेक्शन ब्रेक होगा आपका, ठीक है, जब फिजिकल कनेक्शन आपका ब्रेक होता है, जैसे कि कॉल ना आए, ठीक है, या वो दिखे ना, ठीक है, या फिर सामने वाला बंदा दिखे ना, पता ना चले कि कहाँ गया वो, ठीक है, अब वो मतलब एकदम से फिजिकल कनेक्शन ब्रेक हो जाए, तब आपके मन में ये ख्याल अगर आता है कि यार वो किससे बात कर रही होगी या किससे बात कर रहा होगा, कहाँ चला गया, या किसी और का तो कॉल नहीं आ गया, या फिर अगर बिजी बता रहा है तो दुनिया भरे का बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, या फिर अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं और उसका अटैचमेंट हो गया होगा, या फिर याद ही नहीं आ रही होगी, पता नहीं कहाँ अपनी दुनिया में खोई रहती है, एक हम ही है जो मतलब पागलों की तरह प्यार करते हैं, इस तरीके का अगर आपको ख्याल आ रहा है ना, तो आपको भले बुरा लगे लेकिन ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है, ठीक है। जब फिजिकल कनेक्शन ब्रेक हो तब आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आ गई, तब आप सच्चे प्यार के लेवल पर हो। मतलब कि जैसे मान लो कि अगर आपके पास कॉल नहीं आया, ठीक है, 2 दिन हो गए कॉल नहीं आया, तब आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि यार कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है, कोई बात तो नहीं हो गई, तब आप सच्चा प्यार कर रहे हो, ठीक है। अगर वो 2 दिन से नहीं दिखी, 1 दिन हो गया नहीं दिखी, तब आपको अगर ऐसा एहसास हो रहा है कि यार कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आ गई, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, इस टाइप की अगर फीलिंग आ रही है, ये बात अंदर से आएगी, ठीक है। अगर इस तरीके का कुछ आ रहा है तब समझ लो कि आप सच्चा प्यार करते हो, और इस तरीके की अगर बातें आ रही हैं आपके मन में तो इससे साफ ये भी संकेत मिलता है कि आपका पार्टनर उस लायक है, तभी आपके मन में ऐसी धारणा बन रही है, तभी ऐसा विचार आएगा आपके मन में, जब आपका पार्टनर भी उस काबिल होगा तब, ठीक है। तो ये है थर्ड नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पर जिसको मैंने रखा है वो ये है कि वो शख्स हमेशा खुश रहे, ठीक है। इस लेवल तक पहुंचने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चिंता मत करिए, ये लेवल नहीं है तो आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब आपके मन में, जब आपके दिल से, बिल्कुल अंदर से, आत्मा से, ठीक है, अंदर से जब आपको ये आवाज़ आने लगे कि उसकी खुशी आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है, तब आप समझ लो कि आप सच्चा प्यार करते हो और आपका पार्टनर जो है वो इस लायक है, ठीक है। मतलब कि वो भी आपसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्यार करेगा, तभी ये फीलिंग आपके अंदर से आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मतलब ये है कि जैसे आपको केवल केवल उसकी खुशी से मतलब अगर होने लगे, तब आप समझ लो कि आप सच्चा प्यार करते हो। जैसे कि वो मेरे साथ है या किसी और के साथ ही क्यों ना है, लेकिन वो खुश रहे, मैं उसको केवल खुश देखना चाहता हूँ, ये सच्चे प्यार की निशानी है। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी खुशी ज़्यादा समझते हैं, जैसे कि अगर वो ब्रेकअप करके जा रहा है शख्स, तब हमको लगेगा कि नहीं यार, तब हम बहुत रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हम उस वक्त सच्चा प्यार नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि तब हमको उसकी नहीं पड़ी होती, हमको अपनी पड़ी होती है कि हाय मेरा क्या होगा। तो अगर ऐसी फीलिंग है तो ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है, आपको भले बुरा लगे, क्योंकि आप ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं, वो शख्स मेरे ही पास रहे, उसको मैं बंधन में बना के रखूं, या वो बस मेरा ही होके रहे, वो दूसरे का कैसे हो सकता है। अगर आप सच्चा प्यार करते तो आप उसको वो करने देते जिसमें उसको खुशी मिल रही है, ठीक है। ये सच्चे प्यार की निशानी है। आप प्यार कर रहे हो तो आपको वो प्यार करने से रोक रहा है क्या? आप करो ना प्यार, आप करते रहना प्यार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि वो शख्स हमेशा खुश रहे, तब समझ लो कि आप सच्चा प्यार करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले नंबर की। तो पहले नंबर पर जो है, यहाँ तक शायद ही कोई पहुँच पाता है, लेकिन जो पहुँच जाता है उसको फिर कोई जुदा नहीं कर पाता है, ठीक है। ये लेवल है एग्जिस्टेंस का आभास हो जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि आप अपने रूम के अंदर हो, ठीक है, और वो बंदा या वो शख्स आपके घर के आसपास आ गया, ठीक है, या जहाँ पे वो रोज़ आया करता है वहाँ पे आ गया, आप कुछ कर रहे हो अंदर हो,
तो अब इस तरीके से आपको आभास मिलने लगेगा, आपके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आएगी कि यार उसका आहट मिल रहा है मेरे को, या वो आ गई है, ठीक है, या वो आ गया है, इस तरीके का अगर आभास हो रहा है, ये बहुत कम लोगों को होता है, तो समझ लो कि आप बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्यार करते हो। जैसे मान लो, इमेजिन करो कि आप सो रहे हो रात में, ठीक है, रात में आप सो रहे हो, वो शख्स बिना बताए आ जाए, ठीक है, आपके दरवाजे के पीछे, ठीक है, आपके डोर के पीछे वो खड़ा हो और आपको आभास मिल जाए कि वो शख्स यहाँ पे, उसका उसकी एग्जिस्टेंस महसूस कर सको आप, तब आप बहुत ही ज़्यादा चरम के लेवल पर होते हैं, एक्सट्रीम के लेवल पर, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने में लोगों को समय लगता है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, इस तरीके से आपके साथ हरकतें हो रही हैं, तब आप समझ लो कि आपका प्यार फॉर श्योर 100% सच्चा है और आपका पार्टनर इसके लायक है, तभी आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है। तो ये तीन बातें हैं, ठीक है, इसके बिना पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना ज़्यादा सच्चा प्यार करते हो, और साथ में आपका पार्टनर भी आपसे प्यार कितना करता है। टाइम पास नहीं होगा अगर ये तीन बातें हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी है तो ये टाइम पास नहीं कहा जाएगा। और एंड एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे को फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, वहाँ पे जाके क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और एंड में अभी भी मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर हम आपसे डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो loveintercity@cm4 पर मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और ये CM4 क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, इसे यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंप्लीट, तो इसके माध्यम से मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी अपने कमेंट बॉक्स विचार जो भी हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर तो इसको खूब दबा के कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका प्यार किस लेवल पे है, ठीक है। और साथ में अगर नए हो तो सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं ये फ़िलहाल बोलता नहीं हूँ, आपके काम का अगर चैनल होगा तो कर ही लोगे सब्सक्राइब, ठीक है, कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और कमेंट का मैं सबका रिप्लाई करूंगा, बट थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो उसके लिए सॉरी। गुड बाय एंड टेक केयर।